233 सीटों का चुनाव हो गया है और 233 सीटों में कांग्रेस का सफाया हो गया है और नरेंद्र मोदी का लहर चल रहा है, क्योंकि शुरू में लोगों को लगा हवा बह रही है, फिर लोगों को महसूस हुआ कि मोदी जी की लहर है, लेकिन जब चुनाव में सब जगह 10% से 15% ज्यादा वोटिंग हुआ, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी कतार में खड़े रहे और लंबे समय तक वोटिंग चलता रहा, तब लोगों ने देखा ये हवा नहीं, ये लहर नहीं, ये तूफान है और तूफान में कांग्रेस खाक है, क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि सुशासन मिले, तरक्की मिले, रोजगार मिले, स्वाभिमान से देश चले, एक मजबूत नेतृत्व हो। एक कठपुतली नेतृत्व नहीं चाहिए, कठपुतली नेता नहीं चाहिए जो 10 साल देखा। और इसलिए क्या हुआ कांग्रेस में, 2G, 3G, जीजाजी, नेताजी, आपको पता है आज प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे पति पर हमले हो रहे हैं, उनके लिए अनाप शनाप बोला जा रहा है। आपके पास ये जादू की छड़ी है कि 1 लाख रुपए के आओ मंत्र जाओ मंत्र छू 300 करोड़ हो गए, तो सबको सिखाओ सब अमीर हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के राज में दूसरा कोई अमीर नहीं होगा, केवल परिवार अमीर होगा। और इसके लिए हमारी लड़ाई है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहते हैं, चाय वाला कहते हैं। हमने कांग्रेस वालों को कहा, अच्छा कहा तुमने चाय वाला, अरे मेहनत मजदूरी करके जीने वाला आज देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, आज देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। मणिशंकर अय्यर ने कहा था चाय वाला, मैंने मणिशंकर को कहा धन्यवाद, क्योंकि आपने दिखा दी आपकी औकात, आपको मेहनत करके जीने वाले का कोई आपके यहाँ कीमत नहीं है, आपके यहाँ बिना मेहनत का जो कमाता है उसको ज्यादा ज्यादा आपके यहाँ तवज्जो है। आपको मालूम है जीजाजी का सौदा, आप भी जमीन खरीदते होंगे, कोई बेचते भी होंगे, लेकिन उन्होंने एक जमीन खरीदी, एक कंपनी से खरीदी, 8 करोड़ रुपए का सौदा हुआ, 8 करोड़ रुपए उन्होंने चेक दिया, उन्होंने जमीन दे दी, चेक उन्होंने बैंक में भरा ही नहीं, 3 महीने में उस जमीन का लैंड यूज चेंज हो गया। वही जमीन उसी कंपनी ने जीजाजी से 58 करोड़ को ले ली वापस, 3 महीने में कुछ नहीं किया, 58 करोड़ मिल गए। ये सौदा है, ये देश की लूट है। अरे इन्होंने क्या छोड़ा आपको मालूम है, 2G तो लोग बोलते क्या है 2G, 2G माने ये मोबाइल की जो लहरें है जिससे हमें सुनाई देता है, यह हवा का लहरें है और ध्वनि की लहरें है, और इसको जाते हैं उसका में भी पैसा खाया, हवा में पैसा खाया। कभी किसी ने सोचा है? आज तक लोग जमीन में खाते थे लेकिन ये हवा में भी खाने लगे। अरे वो हेलीकॉप्टर स्कैम हुआ, एक VVIP चॉपर, उसका क्या मतलब, उन्होंने आकाश में भी खाया, जो हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ने वाला है उसमें भी पैसा खाया, जमीन पर चलने वाले ट्रक में पैसा खाया, जमीन के घोटाले किए, अरे जमीन के नीचे पाताल में भी गए और वहां भी कोयले का घोटाला किया। न आकाश छोड़ा, न जमीन छोड़ी, न पाताल छोड़ा, सारे पंच महाभूत खा गए। ये इनकी औकात है। और इसलिए देश में आज एक गुस्से की लहर है, एक गुस्से का सुनामी है कि कांग्रेस को खदेड़ दो, एक नया राज दे दो मोदी के नेतृत्व में,
जो देश का भला करेगा। कोई कांग्रेस वाला है तो बताए मुझे कौन सा ऐसा राज्य है देश में, तमिलनाडु, केरला, आंध्र? आंध्र में पिछली बार उनको 33 सीटें मिली थी, आज मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस वाले बता दे 3 सीट का नाम कि जो वो जीतने वाले हैं। नहीं जीतेंगे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिला, आपने उसको ध्वस्त किया। अब जनता का गुस्सा देखिए और वहां कोने में बैठी है, अब आपकी जगह वही रहेगी। और इसलिए आज एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां उनकी 10 संख्या होगी, 10 भी नहीं आएंगे एक राज्य में, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, महंगाई इतनी लंबी की, महंगाई की मार जो लोगों को पड़ी, कांग्रेस का 2009 का आंध्र प्रदेश का मैनिफेस्टो देखिए, उन्होंने कहा था हम गैस सबको देंगे गैस कनेक्शन और गैस की कीमत आधी करेंगे। उस समय 180 रुपये था, 90 रुपये में गैस मिलता है क्या, 90 रुपये गैस सिलेंडर मिलता है क्या? अरे यहाँ गैस सिलेंडर को 450 रुपये देने पड़ते और पिछले महीने तक 1100 रुपये देने पड़ते थे, अगर 9 सिलेंडर हो गए तो 1200 रुपये देने पड़ते थे। ये महंगाई की कमाल की। अब वो कह रहे कि 6 के हमने 9 किए, अब 9 के हमने 12 किए। अरे लेकिन 6 किए किसने? अटल जी के सरकार में जितने चाहिए गैस सिलेंडर 180 रुपए में मिलते थे, और अब 1100 रुपए में अगर 10वां सिलेंडर मिलेगा तो कौन सहन कर सकता है? गरीब कहां से लाएगा? गरीब की कहानी। बेरोजगार हुए युवक, आज सारा देश समस्याओं से, और इन्होंने जिस तरह से लूटा इसलिए लोग गुस्सा हो गए। और इस गुस्से का कारण है, ये गुस्सा केवल कांग्रेस के विरोधी नहीं है, कांग्रेस के साथ जो गए तेलंगाना में 2004 में, कांग्रेस के साथ कौन गए उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि तेलंगाना में 1100 युवाओं की जो 2004 के बाद आत्महत्या हुई, क्यों आत्महत्या हुई, क्यों शहादत हुई, किसकी जिम्मेवारी है? ये जिम्मेवारी कांग्रेस की है। 54 साल से अन्याय किया, एक राज्य बनाने का था नहीं बना पाए, अटल जी ने 3 राज्य बनाए, दोनों राज्यों में पेड़े बट रहे थे, और यहां ऐसा निर्माण हुआ कि जिस तरह से कांग्रेस की ये जो नाकामी है वो सबके सामने आ गई। ये तो हमारी लड़ाई थी, और आज अब तेलंगाना बन गया, तेलंगाना को चाहिए जल्दी विकास, तेलंगाना को चाहिए पानी, तेलंगाना को चाहिए बिजली, तेलंगाना को चाहिए उद्योग, तेलंगाना के युवाओं को चाहिए रोजगार जिसके लिए उनको बाहर न जाना पड़े, ये सपना है। हैदराबाद का वैभव पुनः प्राप्त हो, और इसके लिए ये लड़ाई चल रही है।